अभी देखिए बच्चों, वो अपने करते हैं फोटोसिंथेसिस का पार्ट 5। अपना टॉपिक चल रहा था प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी वर्णक, और अपनों ने पर्णरिते कर लिया था। अब बात करते हैं कैरोटेनॉइड्स की। देखिए जो कैरोटेनॉइड्स है, ये वर्णक हरितलवक में पर्णरित के साथ पाए जाते हैं। ये वर्णक हरितलोक में पर्णरित के साथ पाए जाते हैं। ठीक, ये जो वर्णक है, ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर पर्ण हरित को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। ठीक, ये वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर पर्णरित यानी क्लोरोफिल को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, अर्थात इनको अपने सहायक वर्णक कहेंगे। ये सहायक वर्णक है, जो कैरोटेनॉइड्स है वो सहायक वर्णक की भूमिका निभाते हैं। देखिए पादपों में दो प्रकार के कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं, जो निम्न है। पादपों में कितने प्रकार के कैरोटेनॉइड्स पाए जाते हैं? दो प्रकार के। पहला है कैरोटीन, ये लाल नारंगी प्रकार के वर्णक होते हैं, और ये हाइड्रोजन व कार्बन के बने होते हैं इनका मूलानुपाती सूत्र C40H56 होता है, ये मूलानुपाती सूत्र होता है। ठीक, उदाहरण देखिए, लाइकोपीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जो कैरोटीन है उसके उदाहरण है। ठीक है, यानी ये जो मैं नाम लिखूंगा वो कैरोटीन में सम्मिलित है, या कैरोटीन के एग्जांपल है। जैसे लाइकोपीन, ये एक प्रकार का कैरोटीन है। ठीक, और अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, इस तरीके से। ठीक, ये उदाहरण हो गए लाइकोपीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये कैरोटीन में सम्मिलित है। अभी अगला है जेंथोफिल्स। देखिए इनका रंग पीला या भूरा होता है, और इनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी मिलता है, इनका मूलानुपाती सूत्र C40H56O2 होता है, C40H56O2 ओ या दो के दो, ये है C40H56O2। यह इनका मूलानुपाती सूत्र होता है। एग्जाम्पल है ल्यूटीन, नियोजेंथीन, ठीक। देखिए बीटा कैरोटीन एवं जो ल्यूटीन है,
ये जो दो वर्णक है ये सभी अरे पादपों में मिलते हैं भी, ठीक। तो पनरित हो गया, कैरोटेनॉइड्स भी हो गए, ठीक है। अगला जो है वो है फाइकोबिलिन नंबर 3। पनरित में भी कई प्रकार है, जैसे ए बी मैंने आपको बताया था 8 प्रकार के पनरित अब तक खोजे जा चुके हैं। कैरोटेनॉइड्स में भी कई प्रकार है, जैसे कैरोटीन जेंटोफिल, कैरोटीन जो है उसमें भी कई एग्जांपल है। जेंटोफिल में ये दो लिख दिए एग्जांपल के तौर पर, ल्यूटीन नियोजेंथीन। अगला जो है नंबर 3 वो है फाइकोबिलिन। नंबर 3 है फाइकोबिलिन। ये वर्णक केवल लाल एवं नीले रेशे वालों में पाए जाते हैं। ये केवल लाल व नीले हरे शैवालों में पाए जाते हैं। लाल शैवालों को अपने क्या कहते हैं, या लाल शैवाल जो है वो किस क्लास में सम्मिलित किए गए हैं? रोडोफाइसी में। रोडोफाइसी जो लाल शैवाल है उनको किस क्लास में सम्मिलित किया गया? रोडोफाइसी में, रेड एल्गी। और नीले रेशे वाले उनका एक नाम और भी है, साइनोबैक्टीरिया, इंग्लिश में कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए फाइकोबिलिन दो प्रकार के होते हैं भी, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोबिलिन कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। फाइको इरिथ्रिन और फाइको साइनिन, यह रेड एल्गी में मिलता है यानी लाल शैवालों में, और यह नीले रेशे वालों में मिलता है फाइकोसाइनिन, ठीक। फाइकोरिथ्रिन लाल शैवालों में रेड एल्गी में, और जो फाइकोसाइनिन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया या नीले रे शैवालों में, ठीक। ये हो गया। अब एक क्रम आती है कि वो देखिए, तीन तरह के मोटे तौर पर पिगमेंट्स हो गए, पनरित, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। जो फाइकोबिलिन्स है वो मुख्यतः शैवालों में मिलते हैं, आगे एक क्रम आती है पी ए आर। देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक दृश्य स्पेक्ट्रम के, मैं लिख देता हूं फिर देखना, प्रकाश संश्लेषी वर्णक दृश्य स्पेक्ट्रम के बैंगनी नीले एवं लाल रंग का अवशोषण अधिक करते हैं। बैंगनी नीले एवं लाल वर्णक का अवशोषण अधिक करते हैं। जो स्पेक्ट्रम के
जो स्पेक्ट्रम के 400 से 700 एनएम के बीच का भाग है, जो स्पेक्ट्रम के 400 एनएम से 700 एनएम के बीच का भाग है, अतः वर्णक्रम के इस भाग को पीआर कहते हैं। अतः वर्णक्रम के इस भाग को पीआर कहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप परिभाषा को थोड़ा देखिए। देखिए पीआर का मतलब क्या है वो भी मैं बता देता हूं। पी का मतलब फोटोसिंथेटिक, पी का मतलब फोटोसिंथेटिक, ए का मतलब एक्टिव और आर का मतलब रेडिएशन। ठीक, देखिए परिभाषा क्या है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक दृश्य स्पेक्ट्रम के बैंगनी नीले एवं लाल वर्ण का अवशोषण अधिक करते हैं, जो स्पेक्ट्रम के 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का भाग है, अतः वर्णक्रम के इस भाग को पीआर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यह जो रेंज है या यह जो प्रास है 400 एनएम से 700 एनएम, इस प्रास में जो तरंग दैर्ध्य है, इस प्रास में जो तरंग दैर्ध्य है वही प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः भाग लेती है। ठीक है, यानी पौधे आपको पता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ठीक, तो जो इस बीच में जो तरंग दैर्ध्य है 400 एनएम से 700 एनएम, उस तरंग दैर्ध्य का पादप द्वारा अवशोषण सबसे अधिक होता है। मान लीजिए कोई तरंग दैर्ध्य ऐसी है 150 एनएम, तो यह पादपों द्वारा अवशोषित नहीं होती या प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती। ठीक, या 700 से ज्यादा है तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, तो वो भी प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती या पादपों द्वारा अवशोषित नहीं होती। यह जो प्रास है ना तरंग दैर्ध्य की, ठीक, यानी जो प्रकाश विकिरणें हैं उनकी तरंग दैर्ध्य 400 एनएम से 700 एनएम के बीच होनी चाहिए। ठीक, वही तरंग दैर्ध्य पादपों द्वारा अच्छे से अवशोषित होती है। ठीक, उन्हीं का प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण रोल है। ठीक, तो इसे अपने कहते हैं, यानी 400 एनएम से 700 एनएम के बीच में जो तरंग दैर्ध्य हैं उसको अपने कहते हैं पी ए आर, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। आगे देखिए प्रकाश की प्रवृत्ति या प्रकाश की प्रकृति, सॉरी प्रकृति, तो पीआर ये है 400 एनएम से 700 एनएम के बीच में जो है ना, ठीक, इस प्रास में जो तरंग दैर्ध्य है वही पादपों द्वारा अवशोषित होती है और प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, या प्रकाश संश्लेषण के लिए जो तरंग दैर्ध्य प्रास है वो यह है, इससे नीचे या इससे ऊपर जो तरंग दैर्ध्य है वो पादपों द्वारा अवशोषित नहीं होती, उनके प्रकाश संश्लेषण में कोई खास भूमिका नहीं होती, तो इसको कहते हैं अपने पी ए आर। अगला टॉपिक अपना प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। ये वैसे फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा अपने देख लेते हैं प्रकाश की प्रकृति। यहाँ पर कुछ बातें हैं वो देख लेना, बस एक बार पढ़ना आपको, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स का टच दिया हुआ है इसमें। एक दो इसमें महत्वपूर्ण
लाइनें हैं वो आपको मैं बता दूंगा, क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ वहीं से आएगा, ठीक। प्रकाश के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक। हाँ, यहाँ पर लास्ट में एक दो टर्म्स आएगी, उनको अपने देखेंगे, वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है और एक नंबर की दृष्टि से वो आती है। देखिए, प्रकाश की प्रकृति के बारे में कि जो सूर्य का प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, आपको बताइए। सूर्य का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, ठीक। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति में क्रमागत दो सुरंगों अथवा दो गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आपने तरंग दैर्ध्य पढ़ी होगा, नाम सुना होगा तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। देखिए, अपने बात करते हैं इस तरह, प्रकाश आपने इसी तरह बनाया होगा, ठीक। तो यहां पर क्या है, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति में क्रमागत दो सुरंगों अथवा दो गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक। जैसे ये दो सुरंग हो गए, ये गर्त होते हैं अपने, तो दो सुरंग इनके बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ, ठीक। फिजिक्स में आपने पढ़ा है। अब एक बात और, जो तरंग है उसकी ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तरंग की ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये पढ़ा आपने। तरंग की ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो उस तरंग की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तरंग दैर्ध्य कम है किसी तरंग की तो उस तरंग की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो तरंग की ऊर्जा तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जो छोटी तरंग दैर्ध्य की जो विकिरणें हैं उनमें उच्च ऊर्जा होती है, और ऐसी विकिरणें जिनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उनमें निम्न ऊर्जा होती है, ठीक। अब ये बना हो गया, आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दृश्यमान भाग को दृश्यमान वर्णक्रम कहते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दृश्यमान भाग को विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान भाग को दृश्यमान वर्णक्रम कहते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है, दृश्यमान वर्णक्रम कहते हैं, ठीक है। जिनकी तरंग दैर्ध्य प्रास 390 से 760 nm के मध्य होती है। ये जो दृश्यमान वर्णक्रम है इसकी प्रास क्या होगी, 360 nm से 760 nm। ये 390, ठीक, 390 से 760 nm, 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, ठीक। यह जो प्रास है इसको अपने कहते हैं दृश्यमान वर्णक्रम। तो ये मतलब है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है
ठीक है, तो उस लाइट की जो तो तरंग दैर्ध्य है ना, अगर इस प्रकाश में है तभी वह अपने को वस्तु दिखाई देगी, वरना नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये दृश्यमान वर्ण क्रम, यानी जिस वेवलेंथ प्रकाश पर अपने को कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो 390 से 760 है nm। अब आपको भी पता है कि ये जो दृश्यमान जो प्रकाश है उसको 7 विभिन्न रंगों में विभेदित किया जा सकता है। ठीक, ये जो दृश्यमान वर्णक्रम है या जो दृश्यमान जो प्रकाश है उसको 7 विभिन्न रंगों में विभेदित किया जा सकता है, और प्रत्येक रंग की एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है। जो दृश्यमान प्रकाश है या जो वर्णक्रम है उसमें कितने रंग हैं? 7 रंग हैं, और प्रत्येक रंग की अपनी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, अब देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ठीक है, और बैंगनी या नीले रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। ठीक, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र अवरक्त क्षेत्र तथा बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र प्राबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। तो दो टर्म आती है अपनी, इंफ्रारेड और यूवी। इंफ्रारेड और यूवी, अल्ट्रा वायलेट। तो देखिए लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? इंफ्रा रेड। और जो बैंगनी नीले रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाला क्षेत्र प्राबैंगनी क्षेत्र यूवी कहलाता है। यानी जो यूवी होती है उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होती है, और जो इंफ्रा रेड होती है उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत ही ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा किस में होगी? जिनकी तरंग दैर्ध्य कम है। तो जो यूवी है उनकी ये जो विकिरण है इनमें ऊर्जा अधिक होती है और इनकी ऊर्जा कम होती है। ठीक, आगे देखिए प्रकाश की किरणों में उच्च ऊर्जा वाले कण पाए जाते हैं जिन्हें फोटोन कहते हैं। एक फोटोन में निहित ऊर्जा क्वांटम कहलाती है। एक फोटोन में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? क्वांटम कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के एक अणु के अपचयन हेतु लगभग 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। बार सुनिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के एक अणु के अपचयन हेतु लगभग 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। यानी CO2 का एक अणु है, इसका अपचयन अगर होता है तो कितने फोटोन चाहिए? 8 फोटोन चाहिए, और इसे अपने कहते हैं क्वांटम आवश्यकता। ठीक, इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता। तो यहां पर यह इंपॉर्टेंट, अभी क्वांटम आवश्यकता क्या है? तो क्वेश्चन आ जाए कि क्वांटम आवश्यकता क्या है, तो देखिए क्या लिखोगे आप कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 के एक अणु के अपचयन हेतु लगभग 8 फोटोन की आवश्यकता होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। तो ये अपना हो गया प्रकाश की प्रकृति। आगे हो रहा है इसमें, वो भी देखिए कि वे होने वाले यानी खर्च होने वाले प्रत्येक क्वांटम या फोटोन से मुक्त होने वाले O2 अणुओं की संख्या क्वांटम उत्पादन कहलाती है। पादप नीले एवं लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं और हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर 0 होती है। तो लाल और जो नीला प्रकाश है, लाल नीला
इसमें सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, या यह जो प्रकाश है वो पादपों द्वारा अच्छे से अवशोषित होता है। हरा प्रकाश जो है ना, उसकी प्रकाश संश्लेषण में भूमिका जीरो है, यानी पादपों द्वारा हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, बस प्रकाश की प्रकृति बता रखा है। प्रकाश की प्रकृति में दो बातें आपको बताई है। प्रकाश की प्रकृति आप पढ़ते हो तो अगर आप उसको ये मानो कि वो तरंग के रूप में है तो अपन यूज करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक। और अगर अपने उसको कण माने तो अपने बात करते हैं फोटोन की, ठीक। कि जो प्रकाश है उसकी प्रकृति क्या है, वो तरंगीय है या कणीय है, तरंगीय प्रकृति है या कणीय है। और आपको बताइए, न तो शुद्ध रूप से तरंगीय है, न शुद्ध रूप से कणीय है, ठीक। प्रकाश के बारे में एक बात फेमस है कि प्रकाश खुद नहीं दिखता लेकिन दूसरों को दिखाने में सहायक है, बस इतना ही है। अब प्रकाश की प्रकृति क्या है वो आप फिजिक्स में पढ़ते ही हो, ठीक है। कुछ रिसर्चर ये कहते हैं तरंगी है, कुछ कहते हैं कणीय है, और कुछ कहते हैं बीच की है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में प्रकाश का बिहेवियर भी अलग अलग होता है, वो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रकाश है उसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी होती है और कणीय रूप में भी होती है। कणीय रूप में होती है जो अपने कहते हैं उसको फोटोन, ठीक। और फिर यहाँ पर एक टर्म आई क्वांटम, क्वांटम आवश्यकता, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक। तरंग दैर्ध्य मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। तरंग दैर्ध्य के बारे में क्या बताया था कि क्रमागत दो सुरंगों अथवा दो गर्तों के मध्य की दूरी को अपन क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे ये दो सुरंग है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य। और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, ठीक, उन विकिरणों की, जिन विकिरणों की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उन विकिरणों में ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और जिन विकिरणों की तरंग दैर्ध्य कम है उनमें ऊर्जा ज्यादा होगी। यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आगे देखिए, अगला टॉपिक अपना प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकताएं, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकताएं, और वो अपने करते हैं कल, ठीक।